Hi guys, good morning. Welcome to the vlog. I hope you all are doing good. I am doing fantastic. और जो मैंने रात को ये करी थी ना अपनी ब्रेड्स, तो अगर आप देखोगे तो ऐसे हुए हैं क्योंकि मैंने रात में ही खोल दी थी. मुझे ना सोने में बड़ी दिक्कत हो रही थी तो इसलिए मैंने रात में, मतलब बीच आधी रात में खोल दी थी, बट स्टिल थोड़े थोड़े से क्रिम्प हुए हैं. ऐसे से हुए हैं. अब रात्रि चल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा रोज थोड़ा सा ना अच्छे से तैयार व्यार होके पूजा करूंगी तो इसलिए मैंने बालों में थोड़ा सा करने की कोशिश करी थी. खैर दैट्स ओके. एंड अभी मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी. अभी कोई अमित या काना नहीं उठे हैं, अभी कॉफ़ी पी रही हूँ. काना का नाश्ता और लंच बनाऊंगी, उसके बाद मैं उसको उठाऊंगी और उसको स्कूल के लिए तैयार करूंगी. ये खाना का नाश्ता और लंच के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं, और कल उसकी ये वाली बोतल जो नई लेकर आया था टूट गई थी, तो इसलिए उसकी पुरानी बोतल में ही दिया है. काफ़ी अच्छी है ये, कहीं से भी ख़राब होने का नाम नहीं है. सेलो की है, लेकिन उसको है कि पुरानी हो गई क्योंकि इसके ऊपर से प्रिंट उतर गया. बट लेकिन आज लेकर चला जाएगा क्योंकि उसको पता चल गया ना कि ये वाली टूट जाती है, तो आज अपनी पुरानी लेकर चला जाएगा. खाना पे भी चलो चलो, टाइम हो गया आपका. ये बैग भी रेडी कर दिया मैंने आपका, और बॉटल मैंने पुरानी वाली ही रख दी आपकी, ठीक है? ये टूटेगी नहीं, ओके? और ये टॉफी अपने फ्रेंड को भी दे देना, ओके? क्या नहीं दोगे? आजकल ना इसको ये फुल स्लीव्स के पहना के भेजती हूँ. इसके टीचर ने भी बोला है कि फुल स्लीव्स पहना के भेजना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह बीमारियाँ उससे बचने के लिए. क्या हुआ? ये नहीं चाहिए अब. चलो तो चलो चलो, उठो उठो उठो. पापा नीचे भी चले गए. ये ऐसे वाली होती है बेटा, इसमें हैंड रखने के लिए होता है. अगर आपको ठंड लगे आप इसमें अपने हैंड रख सकते हो. ये जिंजर भी खेलने में लगा हुआ है सुबह सुबह बॉल से. भाई तो नहीं करेगा. अमित इज ऑल्सो गोइंग टू ऑफिस. और अभी मैं सोच रही हूँ कि कूलर साफ करके रख देते, क्योंकि जब तक मम्मी पापा जाएंगे तो कूलर चलाने का टाइम बचेगा ही नहीं, तो इसको पैक करके साफ करके रख देते, क्योंकि इतनी ज्यादा धूल आती है, सब आता है, सब इसके अंदर घुस जाएगा, मोटर खराब हो जाएगी. तो मैं अभी ये साफ. मैंने तो अपना कूलर धो दिया है, बट जो भी इलेक्ट्रिकल अपलायंसेस होते हैं ना, दे आर नॉट एडवाइज टू वॉश अंडर वाटर जैसे मैंने धोया, क्योंकि उसमें मोटर खराब होने का डर रहता है. वैसे तो ये कूलर है तो पानी तो अंदर जाता ही है, बट स्टिल हमें मोटर को पानी जाने से बचाना चाहिए ताकि वो बची रहे. जंग लग जाता है अगर हम पानी जाते हुए चला देते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. तो हम लोगों को इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है इतने ज़्यादा वाटर फ्लो के साथ नहीं वॉश करना चाहिए. मैंने क्यों किया तो मैं आपको दिखा देती हूँ. एक तो जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धूल आती है, तो इन जालियों पे बहुत ज़्यादा धूल चिपक जाती है, जो कि बिना पानी के साफ करना पॉसिबल नहीं था. सेकंड मैंने ये ऑप्शन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरी जो मोटर है ये कूलर की, ये पूरी तरीके से कवर्ड है, मतलब इसमें कहीं भी अंदर पानी घुसने की जगह नहीं है. ये भी इन्होंने पूरे अच्छे से कवर कर रखा है और ये भी पूरी कवर्ड है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सेफ था, इसलिए मैंने किया. आप लोग मत करिएगा, कहीं पता चले आपकी मोटर ही खराब हो गई. और अभी मैं इसको एक दो दिन के लिए सूखने दूंगी अच्छे से, तब इसको बंद करके रखेंगे. तो यस, मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी. तो अभी चलते पूजा करने, उसके बाद आके मुझे खाना का खाना भी बनाना है क्योंकि उसका स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा. तो फटाफट से चलते पूजा करने.
आज ना काना को एक होमवर्क दिया है टीचर ने, DIY काइंड ऑफ थिंग है, उसमें हमें कैप्स का यूज करके ना एक बुड्ढा बुड्ढी बनाने में दिखाती हूँ। तो हम लोगों ने बॉटल की कैप्स रख ली है, प्ले रख ली है और पेपर रख ली है। अभी पहले मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको भी, फिर मैं दिखाती हूँ खेल लो। पहले मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि करना क्या है, फिर हम करते हुए दिखाएंगे। अच्छा तो हमें ब्लू ढक्कन देने हैं? नहीं, आप कोई भी ढक्कन ले सकते हो, ब्लू जरूरी नहीं है। तो ये हमको ऐसे ही हिलने वाला बनाना है। एंड इसका प्रोसेस है ये, एक ढक्कन लेना है, उसके अंदर हमें ऐसे क्ले रखनी है और उसके ऊपर हमें पेपर के ये दादा दादी बना के चिपका देने हैं। समझ आ गया काना कैसे बनाना है? समझ आ गया क्या? छोड़ो, समझ आ गया कैसे करना है? ठीक है करो, चलो आपको ये देख देख के करना है। ओके ये रखा आपके सामने। पहले क्या करना है, सबसे पहले कैप लेनी है और कैप, हाँ ये री कैप, कैप के अंदर थोड़ी, ठीक है ब्लू ले लो और उसके अंदर थोड़ी सी क्ले रखनी है, नीचे की तरफ रखना बस क्ले। दिखाना कितनी क्ले ली, थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी आपको, बस थोड़ी और ज्यादा। देखो ना उसने कितनी सारी ली है। अच्छा बस इतनी? अब इसको ढक्कन में नीचे के, पहले इसको गोल गोल बनाओ, देख ही नहीं रहे हो आप? अच्छा। रुको, अब ये ऐसे बन गया ना, अब इसको लगाओ नीचे की तरफ ही लगाना बस, इसको अच्छे से फिक्स करो इसके अंदर। हाँ। आ गया समझ? हाँ, आ गया। ठीक है चलो तो बनाओ, अब पेपर के ऊपर बनाओ। हाँ इसमें से ले लो, आपको व्हाइट लेना है, व्हाइट लेना है ना, तो मैं व्हाइट पेपर देती हूँ, रुको। ने ये बनाए हैं और ये इसका से देख के एग्जांपल था, उसमें से देख के बनाना था। जरा हिला के दिखाना आप भी अपने वाले, और दादा को भी हिलाओ। दादा भी तो हिल रहे हैं। हिल रहे हैं ऑलरेडी। दिखाना, ये अपने आप हिल रहे हैं। ओह वाह, अब ये काना कल स्कूल लेकर जाएगा। स्कूल? यस, टीचर ने तो बोला था, ये वीडियो टीचर ने तो भेजी है कि ऐसा बनवा के भेजना स्कूल। हाँ ये बताने की क्ले है। हाँ तो क्या हुआ, स्कूल अभी काम की क्ले तो पूरी क्ले थोड़ी लेके जा रहा भाई, थोड़ी सी क्ले लगाई है उसके लिए इसको दुख हो रहा है कि काने की क्ले स्कूल चले गए। आप स्कूल की क्ले लेकर आते हो घर में? ठीक है, अगली बार नहीं लाएगा। अगली बार से स्कूल की क्ले घर मत लाना, फिर अगली बार से मम्मा फिर घर वाली क्ले स्कूल के लिए नहीं भेजेगी। ठीक है, ये क्यों घूम रही है? दादाजी नहीं घूम रहे। दादाजी नहीं घूम रहे, ये देखो भाई। दादाजी कहीं भूख ले, काना की कहीं भूख ले। ओह हो हो, क्यूट, वेरी गुड। अरे ये क्यूट नहीं। क्यों? ये क्यूट नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको काना का ये छोटा सा प्रोजेक्ट, जिंजर क्या कर रहे हैं? पता नहीं इसको क्या दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं, भाग जाए यहाँ से। क्या चाहिए? कुछ कुछ हो रही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।